बच्चों कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम समकालीन विश्व में लोकतंत्र पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, कैसे लोकतंत्र पिछले 100 वर्षों में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों में फैलता गया है। दुनिया के स्वतंत्र देशों में से आधे से अधिक में आज लोकतंत्र है। बच्चों लोकतंत्र का फैलाव बहुत सरलता से और एक जैसे रूप में नहीं हुआ है। विभिन्न देशों में इसने काफी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आज भी लोकतंत्र की स्थिरता के प्रति लोगों में संदेह है। हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बनने बिगड़ने की कहानियां इस वीडियो में देखेंगे। आप लोकतांत्रिक शासन के होने का अर्थ जानेंगे। आइए बच्चों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिली की राष्ट्रपति सल्वाडोर अयेंदे द्वारा 11 सितंबर 1973 की सुबह दिए गए आखिरी भाषण के अंश से पाठ की शुरुआत करते हैं। तो ये भाषण कुछ ऐसे है। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधेरे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वो स्थितियाँ बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़े। चिली जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। इसी भाषण के बाद फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अयेंदे चिली की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद से अयेंदे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए थे। इनमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। उनकी जातियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां इन नीतियों के खिलाफ थीं। ग्यारह सितंबर 1973 को अयेंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब शिक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे तो सेना के लोगों ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएं की और राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। अयेंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार किया। फौज कुछ कर 30 के पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना वह संदेश दिया जिसके कुछ अंश हमने अभी आपके सामने पढ़े। फिर फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगी। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति अयेंदे की मौत हो गई। अपने आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे। 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। इस बगावत की अनुवाई जनरल ऑगस्टो पिनोशे कर रहे थे। अमेरिका की सरकार अयेंदे के शासन से खुश नहीं थी। उसने तख्ता पलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की, उनके लिए पैसे उपलब्ध कराए। तख्ता पलट के बाद पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठे और उन्होंने 17 वर्षों तक राज किया। पिनोशे की सरकार ने अयेंदे के समर्थकों और लोकतंत्र को मांग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या कराई। इनमें चिली की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बैशेले और अनेक वे फौजी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार किया था। जनरल बैशेले की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर काफी प्रताड़ित किया गया। सेना ने 3 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। काफी सारे लोग लापता हो गए। कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। साल 1988 में पिनोशे का सैनिक शासन समाप्त हो गया जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन चिली के लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं था। उन्होंने भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया।
इससे पिनोशे की राजनीतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी चली गई। अपने आखिरी भाषण में आयंदे ने जो उम्मीद जाहिर की थी वो सही साबित हुई। चिली की जनता ने कायरता और देशद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके किए की सजा दे दी। इसके बाद से अभी तक चिली में 4 चुनाव हो चुके हैं और विभिन्न दल एक दूसरे से मुकाबला करते हुए जीत हार रहे हैं। धीरे धीरे शासन में सेना की भूमिका खत्म होती गई है। बाद में आई सरकारों ने पिनोशे के राज में हुई गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए हैं। इन जांचों से पता चलता है कि पिनोशे सरकार क्रूर और भारी भ्रष्टाचारी थी। पिनोशे सरकार ने जनरल बैशेले की पत्नी के साथ साथ उनकी जिस बेटी को जेल में डाला वही लड़की मिशेल बैशेले आज चिले की राष्ट्रपति है और जनवरी 26 से सत्ता संभाल रही है। समाजवादी रुझान वाली मिशेल पेशे से डॉक्टर हैं और लैटिनी अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली पहली महिला हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने चिली के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में जाने वाले व्यक्तियों को हराया। चिली में लोकतंत्र के पतन और उत्थान की इस कथा को हम उनके ही भाषण के एक अंश से समाप्त करते हैं। चूंकि मैं नफरत का शिकार बनी थी इसलिए मैंने अपना ये जीवन नफरत को खत्म करने, सहनशीलता और समझदारी के साथ साथ प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया है। आइए बच्चों, अब हम 98 में पोलैंड में घटी एक घटना देखते हैं। उस समय पोलैंड पर जारू जिलिस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की शासन चल रही थी। ये उन साम्यवादी दलों में से एक था जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वही इस पर नियंत्रण भी करता था। 14 अगस्त 1998 को गंडासक शहर स्थित लेनिन जहाज सरकारी कारखाने के मजदूरों ने हड़ताल की। पोलैंड के सारे कारखाने और बड़ी संपत्तियां सरकारी थीं। मजदूरों ने एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। कानून के अनुसार हड़ताल की इजाजत नहीं थी क्योंकि देश में शासक दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं थी। हड़ताल जारी रही और फिर पहले काम से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार लांघकर अंदर पहुंचा और हड़ताली कर्मचारियों के संग हो गया। इस आदमी का नाम था लेक वालेशा और बहुत जल्द ही यह हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। हड़ताल को समर्थन मिलता गया और जल्द ही ये पूरे शहर में फैल गई। अब मजदूरों ने ज्यादा बड़ी मांगे करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि सरकार को हार माननी पड़ी। लेक वालेशा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री करार किया और हड़ताल खत्म हुई। गंडासक संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन सोलिडरनोस्क, जिसे अंग्रेजी में सोलिडरिटी कहते हैं, वो बना। किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ। एक वर्ष के अंदर ही सोलिडरिटी का विस्तार पूरे देश में हो गया और इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की व्यापकता के किस्से सामने आने से सत्ता में बैठे लोगों की परेशानियां बढ़ती गईं। जनरल जारुगेस्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई और उसने दिसंबर में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। सोलिडेरिटी के हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध करने और अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर से छीन ली गई। 1988 में सोलिडेरिटी ने फिर से हड़तालें करवाईं और लेक जबलेशा ने इसकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमजोर थी, सोवियत संघ की मदद का भी पहले जैसा भरोसा ना था और अर्थव्यवस्था में भी तेजी से गिरावट आ रही थी। लेक वालेशा के साथ समझौता वार्ता का एक और दौर चला और अप्रैल 1989 में जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग मान ली गई। सोलिडेरिटो ने सीनेट के सभी सीटों के लिए चुनाव लड़ा और उसे 99 सीटों पर सफलता मिली। अक्टूबर 99 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए जिसमें एक से ज्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। लेक वालेशा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। बच्चों, हमने अभी दो तरह के सच्चे किस्सों को पढ़ा।
चिली का मामला आयंदे की लोकतांत्रिक सरकार को हटा के पिनोशे की अलोकतांत्रिक सरकार के कब्जे और फिर से लोकतंत्र की वापसी का है। पोलैंड में हमने एक अलोकतांत्रिक सरकार की जगह लोकतांत्रिक सरकार के आने का किस्सा पढ़ा। आइए अब इन दोनों मामलों में आई दो अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। चिली के पिनोशे शासन और पोलैंड के साम्यवादी शासन में काफी अंतर है। चिली में सैनिक तानाशाह का राज था जबकि पोलैंड में एक पार्टी का राज था। पोलैंड की सरकार का दावा था कि वो मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। पिनोशे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया और खुलेआम बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया। बच्चों, इनमें कुछ समानताएं भी थीं, जैसे लोग अपने शासकों का चुनाव या उसमें बदलाव नहीं कर सकते थे। किसी को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की भी वास्तविक आजादी नहीं थी। इसी प्रकार ऊपर की तीनों लोकतांत्रिक सरकारों का नजरिया आर्थिक और सामाजिक मामलों के प्रति एक जैसा नहीं रहा है। वो तीन सरकार इस प्रकार हैं: आयंदे की चिली सरकार, वालेशा की पोलिश सरकार और मिशेल की चिली सरकार। आयंदे ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और निर्देशित ढंग से चलाना पसंद किया, जबकि वालेशा चाहते थे कि बाजार सरकारी दखल से मुक्त हो। मिशेल की सरकार कुछ मध्यमार्गी रास्ता अपनाने वाली है। फिर भी इन तीनों सरकारों की कुछ विशेषताएं समान थीं। यहाँ लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें ही शासन चला रही थीं। बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियां या फौज शासन नहीं चला रही थीं। लोगों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी। बच्चों, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में ये व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुने। लोकतंत्र में सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आजादी इसमें जरूरी है। बच्चों, अभी तक हमने जिन सरकारों का जिक्र किया है उनके गुण दोषों को एक सारणी में दर्ज कीजिए। बच्चों, जो कथाएं इस अध्याय में हम पढ़ते आ रहे हैं, 20वीं सदी की दुनिया के इतिहास में वैसी बहुत कथाएं हैं, जैसे लोकतंत्र आने की, लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियों की, सैनिक तख्ता पलटों की, लोकतंत्र बहाल करने के लिए लोगों की संघर्ष की आदि। लोकतंत्र की तरफ जाने और उसके रास्ते में आने वाली परेशानियों में क्या कोई स्पष्ट संकेत या प्रवृत्ति भी दिखाई देती है? बच्चों, नीचे दिए गए नक्शों को गौर से देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि 20वीं सदी में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार और विकास हुआ है उसमें कोई स्पष्ट धारा या प्रवृत्ति दिखाई देती है या नहीं। पहले नक्शे में द्वितीय विश्वयुद्ध के थोड़े ही समय बाद 195 तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों को दर्शाया गया है। इस नक्शे में ऐसे देश भी शामिल हैं जहां सन 79 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी। दूसरा नक्शा सन 1975 का है। तब तक दुनिया के अधिकांश उपनिवेशों को राजनीतिक आजादी मिल गई थी। आखिर में 21वीं सदी की शुरुआत में सन 2 का नक्शा है। इन नक्शों को पढ़ने से जो मुख्य मुद्दे उभरे हैं उनका सार संक्षेप में लिख लें। पूरे 20वीं सदी में लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। क्या यह कहना सही होगा कि नक्शों में हर बिंदु पर यह दिखता है कि काल के पिछले पड़ाव की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्था मानने वाली संख्या बढ़ती गई है? लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ है। यह पहले देशों कुछ हिस्सों में स्थापित हुआ और फिर इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ। 1995 में किस महादेश के सबसे ज्यादा देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं और किस महादेश में तब लोकतंत्र के बारे में बहुत से लोग जानते नहीं थे? आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है, पर अभी भी काफी बड़े हिस्से ऐसे हैं जहां लोकतंत्र नहीं है। सन 2 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था ना अपनाने वाले ज्यादातर देश दुनिया के किन किन हिस्सों में अवस्थित हैं? बच्चों, आधुनिक लोकतंत्र की कहानी कम से कम 2 सदी पहले शुरू हुई। आपने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। इस जन विद्रोह में फ्रांस में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी। पूरी 19वीं सदी भर फ्रांस में बार बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया और बार बार इसे बहाल किया गया, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी। ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरफ कदम उठाने की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से काफी पहले ही हो गई थी, लेकिन वहां प्रगति की रफ्तार काफी कम थी। 18वीं और 19वीं सदी में
राजनीतिक घटनाक्रमों ने राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी थी। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को आजाद घोषित कर दिया था। अगले कुछ ही वर्षों में इन उपनिवेशों ने साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात आधुनिक अमेरिका का गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन इस व्यवस्था में भी मतदान का अधिकार पुरुषों तक ही सीमित था। उन्नीसवीं सदी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष अक्सर राजनीतिक समानता, आजादी और न्याय जैसे मूल्यों को लेकर ही होते थे। एक मुख्य मांग यह रहा करती थी कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार हो। यूरोप के जो देश तब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते जा रहे थे, वे भी सभी लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं देते थे। कुछ देशों में केवल उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार था जिनके पास संपत्ति थी। महिलाओं को वोट का अधिकार मिलता ही नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे देश में अश्वेतों को 1965 तक मतदान का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग, सभी वयस्कों, औरत या मर्द, अमीर या गरीब, श्वेत या अश्वेत को मतदान का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। आप नीचे दी गई सारणी में ये देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी तक न्यूजीलैंड ही अकेला ऐसा देश था जहां के हर वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त था। दूसरी ओर आप ऊपर दिए गए नक्शे पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि 20वीं सदी के शुरू में अनेक देशों को भी लोकतांत्रिक बताया गया है। तब इन देशों में लोगों की एक बड़ी संख्या सरकार का चुनाव करती थी। इन लोगों में अधिकांश पुरुष ही होते थे। यहाँ अनेक तरह की राजनीतिक आजादी भी मिल गई थी। यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के यही देश आधुनिक लोकतंत्र का पहला समूह बनाते हैं। बच्चों, काफी लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश बने रहे। इन परतंत्र देशों के लोगों को आजादी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह लड़ाई अपने औपनिवेशिक शासकों से आजादी की ही नहीं थी, इसमें अपना नेता खुद चुनने की इच्छा भी शामिल थी। हमारा देश उन थोड़े से परतंत्र देशों में एक था जहां लोगों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष किया। इनमें से अनेक देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना ली। भारत ने 1947 में आजादी हासिल की और एक गुलाम देश से लोकतांत्रिक देश बनने की राह पर चल पड़ा। यहाँ आज तक लोकतंत्र बना हुआ है और फल फूल रहा है। उपनिवेश रहे अधिकांश दूसरे देशों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। तो आइए बच्चों, पश्चिमी अफ्रीका के देश घाना का उदाहरण लेते हैं, जो कि एक उपनिवेश रह चुका है। यह ब्रिटिश उपनिवेश था और तब इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। यह 1957 में आजाद के साथ अफ्रीका के सबसे पहले आजादी पाने वाले देशों में शामिल हो गया। इससे अनेक अफ्रीकी देशों को आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। एक सुनार के पुत्र और शिक्षक रहे, देश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने वाले एनक्रूमा घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। वे जवाहरलाल नेहरू के मित्र और अफ्रीका में लोकतंत्रवादियों के लिए प्रेरणा पुरुष थे, लेकिन वे नेहरू के नक्शे कदम पर नहीं चल पाए। उन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया, लेकिन थोड़े समय बाद ही 1966 में सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया। घाना की तरह ही अधिकांश अफ्रीकी देशों का रिकॉर्ड कमोबेश इसी तरह का रहा। जिन्होंने आजादी के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई थी, वहां लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं चल पाया। बच्चों, लोकतंत्र की दिशा में ज्यादा तेजी से कदम उठाने का सिलसिला लातिनी अमेरिका के अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के साथ 1998 के बाद शुरू हुआ। फिर एक दशक में सोवियत संघ के बिखराव के साथ ये प्रक्रिया और तेज हुई। पोलैंड वाली कथा से हमने जाना कि सोवियत संघ का अपने पड़ोसी पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों पर नियंत्रण था। 1989 और 1999 के दौर में पोलैंड और उनके अनेक दूसरे देश सोवियत नियंत्रण के बाहर हो गए। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई। आखिरकार 1991 में सोवियत संघ खुद भी बिखर गया। सोवियत संघ के सभी 15 गणराज्य स्वतंत्र देशों के रूप में सामने आए। इनमें से अधिकांश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही अपनाई। अब पूर्वी यूरोप पर से सोवियत नियंत्रण की समाप्ति और सोवियत संघ के टूटने का दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इस अवधि में भारत के पड़ोस में भी काफी अस्थायी बदलाव हुए।
जैसे 99 के दशक में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। नेपाल में राजा ने अपने अनेक अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंपे और खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने 1999 में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन कायम कर लिया। 25 में नेपाल के नए राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया और पिछले दशक में लोगों को दी गई राजनीतिक आज़ादी को समाप्त कर दिया। लेकिन 2006 में फिर लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय हुई। राजा को संसद की बैठक बुलानी पड़ी और संसद ने राजा की शक्तियों को घटाकर उसे सिर्फ नाम मात्र का शासक बना दिया। इस अवधि में नित नए देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने और उसकी चाह बढ़ने की प्रवृत्ति ही प्रमुख रही। यह दौर अभी भी जारी है। सन 25 तक करीब 14 देशों में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए जाते थे। यह संख्या पहले कभी भी इतनी नहीं रही। पहले अलोकतांत्रिक रहे 8 से ज्यादा देश 98 के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़े हैं। लेकिन आज भी अनेक देशों में लोग ना तो अपने विचारों को मुक्त भाव से व्यक्त कर सकते हैं और ना ही वे अपना नेता चुन सकते हैं। वे अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बड़े फैसले भी नहीं ले सकते। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, इसका अच्छा उदाहरण है। यह सन 1948 में ही औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ और इसने लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन 1962 में सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। फिर लगभग 3 वर्षों बाद पहली बार चुनाव करा गए। आंग सान सू ची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते, पर म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी, बल्कि उन्होंने सूची समेत चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया या उनके घर में ही उन्हें नजरबंद कर दिया। बहुत छोटी राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी लोगों को पकड़कर जेल की सजा दी गई। यहाँ सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जाने करने वाले किसी भी व्यक्ति को 20 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है। म्यांमार की फौजी सरकार की ज्यादतियों से तंग आकर वहां के 6 से 1 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया और दूसरी जगहों पर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। नजरबंदी की सजा झेलने के बावजूद सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा है। उनके अनुसार बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहां के लोगों का विश्व समुदाय के स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का संघर्ष है। उनके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। फिर भी म्यांमार के लोगों का अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार कायम करने का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। बच्चों, अब आप लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। अब आप में से सब इसके विषय में एक एक बिंदु बताइए। फरीदा, हमने जाना कि लोकतंत्र का विस्तार अधिक से अधिक इलाकों में और दुनिया भर के देशों में हो रहा है। राजेश, हाँ, हम आज पहले से बेहतर दुनिया में रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम विश्व की लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। सुष्मिता, विश्व लोकतंत्र, क्या बात कर रहे हो? मैंने टीवी में देखा कि बिना किसी उचित कारण से अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। इराक के लोगों की राय कभी भी नहीं जानी गई। तुम इसे विश्व लोकतंत्र किस तरह कह सकते हो? फरीदा, मैं विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंधों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इतना भर कह रही हूँ कि अधिक से अधिक देश लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते जा रहे हैं। राजेश, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर ज्यादा देश लोकतंत्र को अपना रहे हैं तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि दुनिया ज्यादा लोकतांत्रिक हो रही है? आखिर इराक युद्ध भी तो उस देश में लोकतंत्र कायम करने के लिए ही हुआ। सुष्मिता, नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। अध्यापक, मुझे लगता है कि यहाँ हम दो एकदम अलग चीजों की मिलकर चर्चा कर रहे हैं। फरीदा ने आज की दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक शासन कायम होने की बात कही। राजेश और सुष्मिता के बीच किसी अन्य मुद्दे पर मतभेद है। यह मामला विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंधों का है। राजेश, यह संभव है कि एक देश के लोगों द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए शासक अन्य देशों पर दबदबा कायम करना चाहें। सुष्मिता, जी सर, इराक युद्ध का मामला ठीक यही है। सुरिंदर, मुझे कुछ भी साफ समझ नहीं आता। हम वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? क्या कोई वैश्विक सरकार है? विश्व का राष्ट्रपति या प्रमुख कौन है? अगर कोई सरकार ही नहीं है तो वो लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक कैसे हो सकती है?
तो बच्चों, इस बातचीत के बाद आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ने से देशों के बीच आपसी संबंध भी स्वतः लोकतांत्रिक बन जाएंगे। लेकिन इस सवाल पर विचार करने से पहले सुरेंद्र द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार करें। सुरेंद्र का कहना है कि सभी देशों की सरकारें हैं, लेकिन दुनिया की कोई एक सरकार नहीं है जिसके द्वारा बनाए गए कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू होते हों। अगर ऐसी कोई सरकार नहीं है, अगर ऐसा कोई शासक नहीं है, कोई शासित नहीं है, तो हम लोकतंत्र की दो बुनियादी विशेषताओं को यहाँ कैसे लागू करेंगे? सुरेंद्र की शंका सामान्य ढंग से ठीक है, पर हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ लोकतंत्र का सवाल नहीं उठता। कोई एक विश्व सरकार नहीं है, पर दुनिया में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आंशिक रूप में ऐसी सरकार के कुछ काम करती हैं। ये संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि कोई सरकार रख सकती है, लेकिन वे ऐसे नियम बनाती हैं जो सरकारों के काम काज की सीमा तय करते हैं, उनके लिए दिशा निर्देश देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए बच्चों इन बिंदुओं पर गौर कीजिए। किसी एक देश की सीमा में ना आने वाले समुद्री क्षेत्र के कार्य व्यापार को संचालित करने वाले या सभी देशों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण के नुकसान को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अनेक नियम बनाए हैं जो अधिकांश देशों पर लागू होते हैं। संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय और सामाजिक समता के मामले में परस्पर सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। जब कोई देश दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला करता है, तब संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जिम्मे विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेवारी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर गलती करने वाले के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। जब सरकारों को पैसे की जरूरत होती है, तो उन्हें उधार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देता है। विश्व बैंक भी सरकारों को ऋण देता है। उधार देने के पहले ये संस्थाएं संबंध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती हैं और उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देश देती हैं। बच्चों, हमने देखा कि विश्व स्तर पर अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो कुछ कुछ ऐसे काम करती हैं जिन्हें कोई भी विश्व सरकार करती। तो आइए जानते हैं कि ये संस्थाएं खुद कितनी लोकतांत्रिक हैं। और इस बात को जांचने का सबसे अच्छा पैमाना ये है कि खुद को प्रभावित करने वाले फैसलों में इन संस्थाओं के सदस्य देशों को किस हद तक स्वतंत्रता और बराबर की भागीदारी मिली है। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ वैश्विक संस्थाओं के संगठन और कामकाज पर नजर डालनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सभी 93 सदस्य देशों, ये हम आपको सितंबर 2012 की स्थिति के अनुसार बता रहे हैं, को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक वोट मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सदस्य देश के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है। महासभा में सभी तरह की चर्चाएं होती हैं। इस हिसाब से संयुक्त राष्ट्र बहुत ही लोकतांत्रिक संगठन लगेगा, लेकिन विभिन्न देशों के बीच टकराव की स्थिति में महासभा कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेती है। इसके कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। बाकी 10 सदस्यों को चुनाव आम सभा 2 वर्षों के लिए करती है, पर असली ताकत 5 स्थायी सदस्यों के हाथ में ही होती है। स्थायी सदस्य ही खासकर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर होने वाले खर्च का ज्यादातर भाग वहन करते हैं। इन स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार मिला है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य देश इस अधिकार का प्रयोग करता है, तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की मांग करने वाले लोगों और देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है, पर इसके सभी 88 सदस्य देशों के समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। हर देश इस कोष में जितने धन का योगदान करता है, उसी अनुपात में उसके वोट का वजन भी तय होता है। मुद्रा कोष के 52% से अधिक वोटों पर सिर्फ 10 देशों यानी अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इटली, सऊदी अरब, कनाडा और रूस का अधिकार है। बाकी 178 सदस्य इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फैसले को ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। विश्व बैंक में भी वोटिंग की ऐसी ही प्रणाली है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई अमेरिकी नागरिक ही रहा है, जिसका मनोनयन अमेरिकी वित्त मंत्री करते हैं। तो सोचिए आप उस देश के बारे में क्या कहेंगे जहां कुछ लोगों के लिए सरकार में मंत्री का पद स्थायी रूप से बना रहे और जिन्हें पूरे संसद द्वारा लिए गए फैसले को भी रोकने का अधिकार हो।
या फिर उस संसद के बारे में जहां के सिर्फ 5% सदस्य ही बहुमत की राय को पलट देने या रोक देने में सक्षम हो। क्या आप इनको लोकतांत्रिक कहेंगे? राष्ट्रीय सरकारों के लोकतांत्रिक होने ना होने के लिए हम जिस सरल कसौटी का प्रयोग करते हैं, अधिकांश वैश्विक संस्थाएं उस पर खरी नहीं उतरती। अगर वैश्विक संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं है तो क्या वह कम से कम पहले की तुलना में ज्यादा लोकतांत्रिक हो रही हैं? इस बात के भी कोई बहुत उत्साहवर्धक संकेत नहीं दिखते। दरअसल विभिन्न राष्ट्र तो पहले ही तुलना में ज्यादा लोकतांत्रिक हो रहे हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतांत्रिक चरित्र में कमी आती जा रही है। 20 साल पहले दुनिया में दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दो महाशक्तियों और उनके पीछे रहने वाले देशों के समूहों की प्रतिद्वंदित और टकराव से इन सभी वैश्विक संगठनों का शक्ति संतुलन ज्यादा बेहतर रहा करता था। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति लगता है। यह अमेरिकी प्रभुत्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित करता है। यह कहने का ऐसा कोई अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि वैश्विक लोकतंत्र की जरूरत नहीं है या इस दिशा में कोई भी प्रगति नहीं हो रही है। जरूरत तो उन लोगों की तरफ से पैदा की जा रही है जो विभिन्न कारणों से आज एक दूसरे के ज्यादा संपर्क में आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों के लोग अपनी सरकारों की मदद के बिना एक दूसरे के ज्यादा संपर्क में हुए हैं, वैसे ही वैश्विक मामलों में यह पहल भी लोगों के संघर्ष से ही आगे बढ़ी है। दिए गए दोनों कार्टूनों को आप गौर से देखिए। ये कार्टून वैश्विक लोकतंत्र के बारे में एक मौलिक सवाल उठाते हैं। हाल में दुनिया के ताकतवर देशों, खास तौर से अमेरिका ने शेष दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ाने का जिम्मा खुद संभाल लिया है। उनका कहना है कि सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार से काम नहीं चलेगा, लोकतांत्रिक देशों को उन देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सीधी दखल देनी चाहिए जहां लोकतंत्र नहीं है। कुछ मामलों में तो ताकतवर देशों ने गैर लोकतांत्रिक देशों पर सशस्त्र हमला भी किया है। सुष्मिता यही बात कर रही थी। आइए देखें कि इराक में क्या हुआ। इराक पश्चिमी एशिया का एक देश है और 1932 में यह ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ। 3 दशक बाद यहाँ फौज ने कई सरकारों का तख्ता पलट। 1968 से यहाँ अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी, अरबी शब्द बात का मतलब होता है पुनर्जागरण, उसका शासन था। बाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन ने 1968 के तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी से यह पार्टी सत्ता में आई। इस सरकार ने पारंपरिक इस्लामी कानूनों को हटाया और औरतों को अनेक ऐसे अधिकार दिए जो अन्य पश्चिमी एशियाई देशों में कहीं नहीं दिए गए थे। 1979 में राष्ट्रपति बनने के बाद से सद्दाम हुसैन ने अपनी तानाशाही चलाई और अपने शासन का विरोध करने वालों का सख्ती से दमन किया। अपने अनेक राजनीतिक विरोधियों की हत्या और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का नरसंहार कराने के लिए भी वे कुख्यात हुए। अमेरिका और ब्रिटेन आदि उसके सहयोगी देशों ने आरोप लगाया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार और जनसंहार के हथियार हैं और इनसे दुनिया को बहुत खतरा है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र ने यह जांचने के लिए अपनी विशेषज्ञ टीम इराक भेजी तो उस टीम को कोई भी ऐसे हथियार नहीं मिले। फिर भी 23 में अमेरिका और उसके साथी देशों ने इराक पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। अमेरिका ने अपनी पसंद की अंतरिम सरकार बनवा दी। इराक के खिलाफ युद्ध को सुरक्षा परिषद ने भी मंजूरी नहीं दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अननान ने कहा कि इराक के खिलाफ अमेरिकी युद्ध गैर कानूनी है। बच्चों, इराक का उदाहरण कई मूलभूत प्रश्न उठाता है जिन पर हमें सोचने की जरूरत है। क्या यह लोकतंत्र को बढ़ावा देने का सही तरीका है? क्या किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए किसी लोकतांत्रिक देश को उस देश पर हमला करना चाहिए? क्या बाहरी सहायता हर मामले में मददगार साबित होती है या वो केवल तभी कारगर होती है जब किसी देश के लोग अपने यहाँ के समाज को लोकतांत्रिक बनाने में संघर्ष में लगे हों? अगर बाहरी दखल से किसी देश में लोकतंत्र कायम भी हो जाता है तो क्या वो टिकाऊ होगा? क्या इसे अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त होगा? कोई बाहरी शक्ति लोकतंत्र कायम कर दे, क्या यह विचार लोकतंत्र की बुनियादी भावना के एकदम उलट नहीं है? तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ समाप्त हुआ। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, वीटो क्या है, समझाइए। दूसरा प्रश्न, मार्शल लॉ क्या है? तीसरा प्रश्न, तख्ता पलट से क्या आशय है? चौथा प्रश्न, तानाशाह का क्या अर्थ है? प्रश्न 5, सत्तावादी शासन क्या है? और प्रश्न 6, हड़ताल क्या है, समझाइए। तो बच्चों, ये रहे आपके प्रश्नों के उत्तर। देखिए आप कितना सही समझे हैं। पहला उत्तर, वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मैं निषेध करता हूं।
किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने के लिए यह एक अधिकार है। उत्तर दो, किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक ऐसी न्याय व्यवस्था जिसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि मार्शल लॉ पूरे देश में ही लागू हो, किसी भी देश के छोटे से हिस्से में भी ये लगाया जा सकता है। इसे हम सैनिक कानून भी कह सकते हैं। उत्तर तीन, तख्ता पलट या राज्य विप्लव, अंग्रेजी, फ्रांसीसी व अन्य भाषाओं में इसे कुडेटा, एक छोटे से समूह द्वारा सहसा की गई कार्यवाही, प्रायः सैनिक कार्यवाही द्वारा किसी सरकार को असंवैधानिक तरीके से हटाकर नई असैनिक या सैनिक सरकार बना लेने को कहते हैं। उत्तर चार, वर्तमान समय में तानाशाही या अधिनायकवाद उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति, प्रायः सेना अधिकारी, विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल से शासन करता है। उत्तर पांच, एक व्यक्ति या राज्य के शीर्ष पर उठने वाले लोगों को एक समूह के सभी लीवरों पर नियंत्रण रखता है, उन्हें प्रतिस्पर्धियों को नहीं देता है, उदाहरण के लिए लोकतांत्रिक चुनावों में किया जाता है, सत्तावादी शक्ति असीमित है। और बच्चों उत्तर छः, अन्याय अत्याचार के विरोध में कंपनी मिलों आदि में काम काज बंद कर देना, जैसे कल से हड़ताल चल रही है, उसे हम कहते हैं कि ये संघ हड़ताल पर है। तो बच्चों आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त हुई, कल मिलेंगे एक नए पाठ के साथ।